हाय गाइस, दिस इज मास्क मैन। और आज भाई ट्रेड कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि आज भाई का ना छुट्टी वाला दिन है। चलो देखते हैं भाई क्या कर रहे हैं। एक बार भाई क्या कर रहे हो भाई? मैं आज, जैसे आप लोग थिएटर में मूवी देखते हो, आज मैं अपने रूम में बैठ के देख रहा हूँ मार्केट की मूवी। अच्छा, तो आज ट्रेड नहीं लिया बिल्कुल भी आपने? नहीं, आज मेरा एक थंब रूल है जिसको मैं फॉलो करता हूँ। अच्छा, इसको बोलते हैं हाउ टू कंट्रोल द इमोशन। जो लोग बोलते हैं फियर ग्रीड कैसे कंट्रोल करते हैं, तो मेरे पास उसका सबसे बेस्ट वे है हाउ यू कैन कंट्रोल द इमोशंस इन अ मार्केट। अब आज मेरा वो दिन है जिसमें मुझे पूरे दिन मार्केट को वॉच करना है लेकिन ट्रेड नहीं करना। ओके, तो आज बैठ के सिर्फ ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ। अच्छा, तो क्या ऑब्जर्वेशन कर रहे हो भाई? आज मार्केट निफ्टी मूव कर रहा है बट बैंक निफ्टी मूव नहीं कर रहा है। और जो स्टॉक सुबह मॉर्निंग में गेनिंग में दिखा रहे थे, वो अभी अचानक से लूजिंग की तरफ आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट में मोमेंटम जो चल रहा था वो मोमेंटम लूज हो रहा है, और बैंक निफ्टी एक जगह खड़ी हुई है और निफ्टी को धीरे धीरे करके ऊपर नीचे कर रहा है। तो नोट करो एक बात, निफ्टी ऊपर जा रहा था 15 मिनट में, कुछ स्टॉक 15 मिनट में रॉकेट बन गए, लेकिन उसके बाद निफ्टी ने थोड़ा सा करेक्शन दिया तो स्टॉक करेक्शन में आ गए। उसके बाद निफ्टी ऊपर चला लेकिन स्टॉक ऊपर नहीं गया। फॉर एग्जांपल आरती इंडस्ट्री एंड टाटा केमिकल, दैट इज ओन माय स्ट्रेटजी पावर प्ले 2, जिसको मैं बोलता हूँ कि ट्रैपिंग से कैसे बचें। ये स्ट्रेटजी मैंने बनाया था ऑब्जर्वेशन से, और आपके पीछे मेरा चल रहा है स्क्रीन जिसमें मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ मार्केट का, मूवी देख रहा हूँ। तो देखते भाई आपका स्क्रीन का क्या हिसाब है। अच्छा, तो भाई इसके अंदर आप देखते हो अपने सारे सेक्टर्स। तो देखो, जनरली क्या है, लोगों का ध्यान कहाँ होता है, टॉप गेनर टॉप लूजर कहाँ पर है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ये इन चीजों का गलत इस्तेमाल करते हैं। मार्केट में हमेशा हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि एक ट्रेडर का माइंडसेट क्या है, उसको कैसे स्टॉक पिक करता है, वो फंसता कौन है, ये बताओ मास्कमैन। फंसता वही है जो न्यूज़ पे प्ले कर रहा है या तो। यस, और न्यूज़ पे प्ले अक्सर कौन करता है, जिन लोगों का मार्केट में ध्यान नहीं होता, जॉब करने वाले, छोटा मोटा बिजनेस करने वाले जो इधर उधर एंगेज होते हैं। अचानक से न्यूज आता है, वो टीवी पर देखते हैं, वो न्यूज आ गया और उसमें काम कर दो, राइट। तो अभी क्या है, ये एक पूरा सेटअप है जिसको मैंने किया हुआ है। मैं सुबह देखता हूँ टॉप सेक्टर में कहाँ चल रहा है। मैंने, याद हो तो आप लोगों को एक स्ट्रेटजी में बताया था कि सेक्टर एनालाइजिंग में कौन सा सेक्टर सबसे पहले आप लोगों को ट्रैपिंग में फंसाता है। तो यहाँ से सेक्टर एनालाइजिंग से मैं कुछ सेक्टर्स के स्टॉक्स पकड़ता हूँ, जिनमें हलचल है वो पकड़ता हूँ, टॉप गेनर टॉप लूजर्स में से स्टॉक पिक करता हूँ, और अचानक से कोई स्टॉक हाई बना रहा है। अभी देखो हीरो मोटोकॉर्प हाई बना रहा है, देखो हीरो मोटोकॉर्प डिक्सन, हीरो मोटोकॉर्प डिक्सन, हीरो मोटोकॉर्प डिक्सन, एल्केम कैन, ग्लेनमार्क कैन बैंक, डिक्सन, हीरो मोटोकॉर्प। तो जाहिर सी बात है हीरो मोटोकॉर्प डिक्सन बार बार आ रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ तो हलचल यहाँ हो रहा है। तो अभी आज मैंने चार्ट भी नहीं देखना है, मैंने सिर्फ क्या करना है, स्क्रीन ऑब्जर्व करना है। जब तक हम ऑब्जर्व करना सीखेंगे नहीं तब तक प्रॉफिट बनाएंगे नहीं। वो बोलते हैं ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो क्या तरीका है इस मार्केट में सबसे अच्छा पैसा बनाने का, कि आपको हर 15 दिन में एक दिन छुट्टी करना है और मार्केट को सिर्फ वॉच करना है। वो बोलते हैं ना, नो टचिंग, ओनली सीन। तो आज है मेरा ओनली सीन करने का टाइम। तो मतलब आप कह रहे हो भाई कि देखना उतना ही जरूरी है जितना ट्रेड करना। यस, जब तक हमारे मन में, अब एक बात बताओ, सामने पैसों का बैग भरा हुआ है और मैं उसको देखता जा रहा हूँ, एक दिन तो मेरा मन करेगा ना उसको उठाना है। तो पहले दिन तो मैं उठा लूंगा, दूसरे दिन भी उठा लूंगा, लेकिन रोज पैसों का बैग भरा हुआ अपने ही घर में रखा हुआ है तो मैं क्या बोलूंगा, यार ये अपना ही घर है, इस यहां से पैसा लेकर नहीं जाना मुझे।
और मार्केट क्या है, अपना घर है, ट्रेड लगाने का जल्दी नहीं है मुझे, बस मार्केट है, आज है, कल है, परसों है, नरसों यहीं रहेगी। हम लोग क्या सोचते हैं, अरे मार्केट में आज अपॉर्चुनिटी था, हमसे मिस हो गया। अपॉर्चुनिटी मिस हुआ है वो दैट डे का, उस दिन का अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हुआ है, ना कि मार्केट का पूरा अपॉर्चुनिटी आप लोगों से मिस हुआ। तो आज सिर्फ मेरा जो एक तरीका है ऑब्जर्वेशन का, जो इमोशन कंट्रोल करने का, गलती मैं भी करता हूँ, अभी कुछ दिनों से क्विक प्रॉफिट कर करके मेरा भी दिमाग खराब हो गया। और आज क्या है, 11 अक्टूबर है, आज से रिजल्ट सेशन स्टार्ट हो गया है, TCS, डेल्टा कॉर्प, इनका रिजल्ट सेशन आएगा। जाते जाते एक ऐसी एडवाइस देके जाता हूँ, डेल्टा कॉर्प माइनस में खड़ा हुआ है और रिजल्ट कैसा भी आए स्टॉक को बेचना नहीं है। अब जो लोग बोलेंगे आपने बिना देखकर कैसे बता दिया, तो इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन, स्पेशली रिजल्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, रिजल्ट पर कैसे काम करते हैं। मैंने उसका एक प्रॉपर सेटअप बनाया हुआ है, प्रॉपर एक ऑब्जर्वेशन बनाया हुआ है, और मैं उस ऑब्जर्वेशन को उसी तरीके से काम करता हूँ, जो बिना डायरी के मैं कभी भी रिजल्ट सेशन में प्ले नहीं करता, क्योंकि कभी कभी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हमसे मिस हो जाते हैं। यही एक रीज़न है कि मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि आप जो भी गलती करो उसको मार्कअप करो और अपने ट्रेडिंग डेस्क पर स्टिक करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप गलतियां कर रहे हो, करते जा रहे हो, लेकिन आपका ध्यान बार बार उस तरफ से भटकता जा रहा है, तो उसका सिंपल तरीका यही है, आपने जो गलती किया है उसको ट्रेडिंग डेस्क पर स्टिकी नोट के थ्रू चिपका लो, और आपको सिर्फ पूरे दिन घोड़े की तरह सामने उसी चीज़ को देखना है। बस यही एक ऐसी चीज़ है जिससे आप आगे बढ़ सकते हो, और इमोशन को कंट्रोल करने का तरीका मैं आपको सिखाऊंगा आपने अपने 100 डेज चैलेंज के दौरान में। यानी कि आप बोल रहे हो भाई कि अगर आपने जो भी चीज़ सीखी है, सेटअप हो, स्ट्रेटजी हो, आपकी गलतियां हो, आप वो स्टिकी नोट्स में सामने लिख लो, ताकि जब भी वो वापस आए आपके सामने तो आपको वो याद रहे और आप वापस वो गलती ना करें। परफेक्ट मास्क में। तो इस स्क्रीन के थ्रू कुछ लोग बोल रहे होंगे कि सर देख कर क्या कर रहे हैं, सर का ऑब्जर्वेशन इतना हाई IQ वाला है कि देखकर बता सकता हूँ कि पिछले 5-7 मिनट में, 10 मिनट में किस तरीके की कैंडल्स मूव हो रही है। राइट, अचानक से ग्लेनमार्क थोड़ा रुक रुक के लो बना रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो कोई ग्रीन कैंडल को बार बार बना रहा है और बार बार उस ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक कर रहा है। आज जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताया है, इट्स नॉट जस्ट फॉर इंट्राडे ओनली, ये एक ऐसा सेटअप है जिसमें आपको स्विंग ट्रेड करने में हेल्प होता है। आज यार आज पूछते हैं सर से कितना प्रॉफिट कर लिया सर ने। पंकज सर आज कितना प्रॉफिट कर लिया आपने? यार आज प्रॉफिट तो कुछ नहीं किया, लेकिन 5 करोड़ बनाने का प्लान मैंने बना लिया। ये कौन सी स्ट्रेटजी है? ये है ऑब्जर्वेशन डे स्ट्रेटजी। तो ये स्ट्रेटजी आप मुझे अभी सिखा सकते हो क्या? यस, चलो देखो मॉर्निंग में मैंने क्या किया, टॉप गेनर टॉप लूजर इस मार्केट आई के टूल से पकड़ा। मैंने एक चीज देखी, टाटा केमिकल और टाटा इंडस्ट्री अचानक से हाई बनाने लगे और टॉप गेनर टॉप में सबसे ऊपर चल रहे। मैंने उन दोनों स्टॉक को पकड़ा, 30 सेकंड मैंने उनको भापा और मैंने जान लिया बायर सेलर देखकर कि इसमें ऑपरेटर एंट्री कर चुका है, ये ट्रैप करेगा। आज उसी टाइम पर मैंने अपने जितने भी जूनियर से उनको बताया बोथ स्टॉक, आज ये टॉप गेनर से टॉप लूजर बने। अच्छा, तो ये स्ट्रेटेजी क्या आप हमारी ऑडियंस के लिए सिखाओगे क्या? यस, बट ये मैं ऑनलाइन नहीं बताऊंगा, क्योंकि पूरी दुनिया इसको जल्दी जल्दी सीखने की कोशिश करेगी। ये सिखाऊंगा ऑफलाइन 3 दिसंबर एरो सिटी गुड़गांव, मिलना ना भूलिएगा।